जी टीवी के सीरियल प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति में आज है शिव की सुनवाई। ऐसे में वहाँ पर शिव के पापा पहुँच गए हैं, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने शिव के पापा पर अपनी धौंस जमानी शुरू कर दी। इससे पहले वो इंस्पेक्टर शिव पर डंडा उठाता, वहाँ पहुँच गई शक्ति उन सभी लोगों को लेकर जिन लोगों ने शिव को वहाँ पर लड़ते हुए देखा था, और शिव ने उन बदमाशों को क्यों पीटा था ये भी इन सभी को पता है। ऐसे में सभी ने इंस्पेक्टर को सच बताया कि शक्ति को बचाने के लिए शिव ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इंस्पेक्टर कहाँ किसी की सुनने वाला। इससे पहले की बात आगे बढ़ती वहाँ पर पहुँच जाते हैं कमिश्नर साहब, और इंस्पेक्टर अपना झूठा बयान दे ही रहा था कि तभी एक मोहतरमा पहुँच गई जिनके पास सबूत है, और देखिए कैसे वीडियो दिखाकर उसने शिव को बेगुनाह साबित कर दिया। ये इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास गवाही नहीं बल्कि सबूत भी है कि डॉक्टर शिव ने हमारी बहन शक्ति को गुंडों से बचाया था। ये देखिए लाइव रिकॉर्डिंग। अरे जब हीरो एक्शन मोड में हो ना तो रील बना ही लेनी चाहिए। देखिए हमें प्रोटोकॉल का पालन तो करना ही पड़ता। अरे आप तो ऐसे बोल रहे जैसे हॉलदार बोल रहा था। नहीं नहीं इंसाफ नहीं है, ये नहीं है इंसाफ। अरे अरे खबरदार नहीं, इंस्पेक्टर है आप। चुप चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। किसके कहने पर तुमने कंप्लेंट दर्ज की है बताओ, जवाब दो। सर मंत्री जी के कहने पर। अभी बोल रहा था ना कि अरेस्ट करेगा इसे, अंदर डाल देगा। हाथ लगा के तो दिखा, ये ना पंडित खानदान की बेटी है, ऐसी वैसी कोई रुखी नहीं है। जब का तू मन किया तो अंदर डाल दिया, समझो ने? ए, हमने तो देख ही लिया, हम सब ने देख लिया है, पर तुमने नहीं देखा, इसीलिए तेरे को बता रहे। जिन गुंडों को जेल की हवा खिलानी चाहिए थी ना, उसे तो खुली हवा में छोड़ दिया। और ये बेचारा निर्दोष डॉक्टर, इसको अंदर डाल दिया। जय सोमनाथ, बाद में मिलती हूँ आपसे। आप यहाँ क्या कर रही है? भला ये खबर न हो तो कह दू, श्रावण महीने में हवालदार का भला कर रही हूँ। मेरे को सच सच बता, इन शॉर्ट वो जो गुंडों को छोड़ दिया ना, उसमें तुम्हारा कोई भतीजा तो नहीं है कोई? देखिए मैडम, आप मैं तो देख ही रही हूँ। हवालदार उधर देखो, ये सामने ने कश्यप खानदान है, बनारस का बहुत बड़ा खानदान, समझे? तो उसका बेटा है अंदर है वो। तुम अकेले नहीं खाओगे, सबको टुकड़ा टुकड़ा देना पड़ेगा। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा ना, ज्यादा मांग लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। अरे ये डॉक्टर को अंदर डाल के क्या फायदा मिलेगा? कुछ नहीं। ये मैटर को रफा दफा करो, डालो गंगा में, है? समझ गए ना? बंदर, ये पहली बात, मैं हवलदार नहीं हूँ, इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। अच्छा प्रमोशन, अरे वाह। और दूसरी बात, मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ। सरस स्वच्छ भारत, ये नहीं समझी तो फिर इसको क्यों अंदर डाले? किसके दबाव में आकर है? अरे भाई देखा तो मैंने, ये सबने वो आंखों से देखा है ना, वो वाले हम लोग क्या आई विटनेस। हाँ, तू समझ गया ना? बस ये डॉक्टर ने मेरी सक्तूड़ी को बचाने के लिए क्या फाइटिंग की, क्या इकलस फाइटिंग की। एकदम वो कौन सी फिल्म, गद्दर फिल्म है ना, उसमें वो तारा सिंह नहीं था, उसके जैसी एकदम उसके जैसी जेरोक्स। अरे सुपर फाइटिंग की हो, बस खाली बम उतारना बाकी। हम सब ने देखा है, सच में मुझे तो लगता है ये सनी देओल का फैन है मेरी तरह, है ना डॉक्टर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।